हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल बायोलॉजी वाला यूनिक पे। आज हम लोग प्लांट फोटोसिंथेसिस प्लांट को डिस्कस कर रहे थे। आज वीडियो में हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स को देखा था जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड थे। आज हम लोग देखेंगे जो आपका जो लाइट आती है तो उस लाइट की प्रेजेंस में आपका फोटोसिंथेसिस होती है। तो हर टाइप की जो लाइट है वो आपका फोटोसिंथेसिस नहीं करवा सकती है। हर टाइप की लाइट में फोटोसिंथेसिस आपकी नहीं होती है। जो आपकी विजुअल लाइट की जो आपके लाइट के टाइप होते हैं, जैसे आपके अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, तो आपकी जो विजुअल लाइट होती है उसमें आपकी फोटोसिंथेसिस सबसे अच्छी होती है। ओके, तो उसी को आज हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में होती है और क्या हर टाइप की जो लाइट है उसमें सेम रेट से फोटोसिंथेसिस होती है, या हर जो लाइट है उसमें अलग अलग टाइप से फोटोसिंथेसिस होती है। तो उस सबको आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन सी लाइट किस कैसे अब्जॉर्ब होती है और कैसे उससे फोटोसिंथेसिस होता है। तो कुछ ग्राफ आपके जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तीन ग्राफ दे रखे हैं, उन तीनों ग्राफ्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको दे रखा है कि कैसे लाइट अब्जॉर्ब हो रही है, कौन सी वेवलेंथ पे लाइट ज़्यादा अब्जॉर्ब होती है, कौन सी कम होती है, आपका कैसे फोटोसिंथेसिस का रेट दे रखा है, और आपका दोनों कंबाइंड करके जो है वो ग्राफ दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कौन कौन से पिगमेंट जो है आपके वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले जो आपके एनसीईआरटी में चार पिगमेंट्स हैं उनको डिस्कस किया गया, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपका दे रखा है क्लोरोफिल ए। ओके, तो क्लोरोफिल ए आपका कैसा होता है, ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का होता है। ये आपका मेन पिगमेंट है जो कि आपकी फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो क्लोरोफिल ए आपका मेन पिगमेंट है या नेसेसरी पिगमेंट है। ओके, इसके बिना जो है फोटोसिंथेसिस अच्छी तरीके से नहीं हो पाती, या इसी को हम लोग जो है आपका मेन पिगमेंट मानते हैं। कौन सा, क्लोरोफिल ए। इसका कलर बताया गया ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का, जो कि आपकी क्रोमेटोग्राफी से यहाँ पे इसके कलर्स को देखा जाता है। उसके बाद आता है आपका क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी आपका येलो ग्रीन कलर का होता है, येलो टू आपका ग्रीन कलर का होता है। ओके, ये क्लोरोफिल ए के बाद ये दूसरा इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। उसके बाद आपका जेंथोफिल आता है जो कि आपका येलो कलर का होता है। देन आपका कैरेटिनॉइड्स आता है जो कि येलो टू येलो ऑरेंज होता है, जो आपका जनरली जो आपका कैरेट होता है उसमें आपका कैरेटिनॉइड्स पिगमेंट माया जाता है। तो उसी लगभग कैरेट के कलर का ही इसको मान लेते हैं हम लोग। तो येलो टू येलो ऑरेंज कलर का आपका कैरेटिनॉइड्स होता है। तो चार टाइप के आपके पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए। वैसे और टाइप होते, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में चार ही टाइप दे रखे, तो उन चार टाइप को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लोरोफिल ए जो कि ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल बी जो कि येलो ग्रीन कलर का होता है, देन आपका आता है जैंथोफिल जो कि आपका येलो कलर का पिगमेंट है। उसका लास्ट पिगमेंट देखते हैं कैरेटिनॉइड्स, जो कि येलो टू येलो ऑरेंज कलर का होता है। तो चार टाइप के हमारे एनसीईआरटी में जो है पिगमेंट्स दे रखे हैं। पिगमेंट्स क्या करते हैं, पिगमेंट जो है लाइट का ट्रैप करने का काम करते हैं। जो सनलाइट आती है उसको ट्रैप करने का काम आपका पिगमेंट्स करते हैं। जब लाइट उससे ट्रैप होगी तो उसके बाद ही आपका जो ग्रीन पार्ट्स है उन पर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे हमारे जो ग्राफ दे रखे हैं एनसीईआरटी में, तो सबसे पहले जो ग्राफ दे रखा है उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को दिखाया गया कि कौन सा जो पिगमेंट है कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कौन से रीजन में ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी, कौन से रीजन में कम लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो आपकी जो विजुअल रीजन में जो दिखाई देने वाली लाइट है उसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो उसमें आपका वो 7 कलर्स में टूट जाती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और आपका रेड कलर्स में टूटती है। जब उसको हम प्रिज्म से निकालते हैं विजुअल लाइट को या विजुअल स्पेक्ट्रम को, तो वो अपने 7 कलर्स में टूट जाती है। तो उन 7 कलर्स में जो है जो आपके रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है वो अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया क्लोरोफिल ए लिया गया जो मेन पिगमेंट है, उसके बाद क्लोरोफिल बी जिसको हम लोगों ने आपका ब्लू कलर से दिखाया और रेड कलर से आपका कैरेटिनॉइड्स को दिखाया है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे सबसे पहले ब्लू आपका वायलेट आता है, देन आपका इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज, देन आपका रेड आता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ग्राफ है वो सबसे ज़्यादा जो आपका यहाँ आपका वायलेट से स्टार्ट हुआ, देन आपका ब्लू इंडिगो पे कुछ आपका इंक्रीज किया, और सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पे ब्लू वाले रीजन में सबसे ज़्यादा जो ग्राफ है वो आपका पीक पे जा रहा है। क्लोरोफिल ए वाला भी, कैरेटिनॉइड्स वाला भी और आपका क्लोरोफिल बी वाला भी, तीनों जो आपके जो ग्राफ्स हैं या ग्राफ्स की जो लाइन है वो पीक पे जा रही है। कहाँ पे, क्लोरोफिल बी पे।
तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कहाँ पे हो रहा है इस रीजन में? बी वाले रीजन, बी मतलब ब्लू वाले रीजन में सबसे ज्यादा लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। देन आपका धीरे धीरे लाइट का एब्जॉर्प्शन गिर रहा, ग्रीन में कुछ गिरा, येलो में उससे कम, ऑरेंज में उससे कम, फिर उसने क्या किया धीरे धीरे जो है लाइट जो आपका एब्जॉर्प्शन क्या हुआ फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ। और रेड वाले रीजन में फिर से जो है आपका जो है जो भी पिगमेंट्स हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन का रेट है वो पीक पे जाके पहुंच गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ब्लू वाले रीजन में और रेड वाले रीजन में, तो ब्लू वाले रीजन में और रेड वाले रीजन में सबसे ज्यादा जो है वो लाइट की एब्जॉर्प्शन हो रही है। ओके, तो जितना ज्यादा लाइट का एब्जॉर्प्शन जिस एरिया में होगा उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस उस एरिया में होगी। तो यहाँ पे ब्लू वाले रीजन में और रेड वाले रीजन में सबसे ज्यादा जो है लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो सबसे पहला ग्राफ क्या शो कर रहा है? लाइट के एब्जॉर्प्शन को शो कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे दूसरा जो है दूसरा ग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी में, उसको हम लोग देखते हैं। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या दिखाया गया? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। दूसरे ग्राफ पे हम लोग देखेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस रीजन में ज्यादा होती है। ओके, तो इस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को किस बेसिस पे दिखाया गया कि कितना ओटू रिलीज हो रहा है, किस एरिया में कितना ज्यादा ओटू रिलीज हो रहा है, उसके बेसिस पे इस ग्राफ को यहाँ पे दिखाया गया। ओके, जैसे कि हम लोगों ने पिछले पहले एक्सपेरिमेंट में देख चुके हैं कि जहाँ पे ज्यादा जहाँ पे लाइट जहाँ पे ऑक्सीजन का ज्यादा रिलीज होता है वहीं पे आपके जो है ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया आके वहाँ पे कलेक्ट हो रहे थे। ओके, तो वैसे यहाँ पे जहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रही वहाँ पे क्या माना गया कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रेट ज्यादा है। जहाँ पे आपका ऑक्सीजन कम रिलीज हो रही जिस एरिया में वहाँ पे आपका जो है फोटोसिंथेसिस की रेट कम मानी गई। तो ऑक्सीजन रिलीज के बेसिस पे इस ग्राफ को यहाँ पे दिखाया गया। यहाँ की नैनोमीटर दे रखी है 400, 500, 600 और आपका 700। जो विजुअल रीजन है वो उसकी जो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से आपका 700 नैनोमीटर होती है। तो आपने 400 से स्टार्ट किया। ओके, देन आपको उससे कुछ आगे बढ़े जहाँ पे आपका ब्लू वाला रीजन देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ गया वो सबसे ज्यादा पीक पे गया। देन आपका ग्रीन, येलो, ऑरेंज वाले में आपका क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्राफ जो है उसका स्लोप नीचे की ओर जा रहा है। ओके, देन आपका देखते हैं कि ऑरेंज वाले रीजन से फिर से क्या होता है, ग्राफ आपका धीरे धीरे पीक पे जा रहा है। और जब आपका रेड वाले रीजन में आया तो फिर से क्या हुआ, जो आपका फोटोसिंथेसिस की रेट है वो सबसे ज्यादा हो गई। तो हम देख रहे हैं कि ब्लू वाले रीजन में और रेड वाले रीजन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी हो रहा और उसी रीजन में जो है सबसे ज्यादा आपका फोटोसिंथेसिस की रेट भी उसमें दिख रही है। ठीक, ये तो आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का ग्राफ हो गया, जो आपका जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसको दिखाया गया। और तीसरा ग्राफ हम लोगों ने यहाँ लिया है जिसमें आपका लाइट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी दिखाया गया है और उसमें आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दोनों ग्राफ को क्या रहेगा कंबाइंड करके यहाँ पे दिखाया गया। ओके, जो आपकी ब्लैक वाली लाइन है वो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को दिखा रही है कि कितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है, और जो आपकी रेड वाली जो लाइन है या रेड वाली जो ग्राफ दिखा रहा वो आपका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को दिखा रहा है, कितना रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ओके, तो इन दोनों ग्राफ को क्या कहेगा कंबाइंड करके बस यहाँ पे दिखाया गया। ओके, ये इधर वाला लाइट ऑफ एब्जॉर्प्शन को दिखा रहा और जो वेवलेंथ दे रखी है किस वेवलेंथ पे कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है और कितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो देख रहे हैं यहाँ पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है 400 से कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ने पे लगभग 450 के अप्रॉक्स में जो है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा है। ठीक, उसके बाद धीरे धीरे ग्राफ क्या हुआ हमारा कम होता चला गया, फिर से आपके रेड वाले रीजन में लगभग 680 के करीब 680 नैनोमीटर के करीब आपका फिर से एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा हो गया। तो ब्लू वाले रीजन में और आपके रेड वाले रीजन में सबसे ज्यादा आपका एब्जॉर्प्शन हुआ। अब वही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देख लेते हैं, ये आपके यहीं पे सबसे ज्यादा ब्लू वाले रीजन में, ठीक, फिर ब्लू वाले रीजन से गिरते गिरते आपके जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो कम हुई, फिर से आपके जो है रेड वाले रीजन में फोटोसिंथेसिस बढ़ गई जाके। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन क्या हुआ आपके ब्लू वाले और रेड वाले रीजन में, और सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी आपके ब्लू वाले और रेड वाले रीजन में ही हुई है। तो यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखाया गया, यहाँ पे एक्शन स्पेक्ट्रम दिखाया गया, और यहाँ पे एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दोनों को कंबाइंड करके दिखाया गया। ओके, तो इन सारे ग्राफ से रिजल्ट क्या निकलता है कि जहाँ पे सबसे ज्यादा लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा वहीं पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस की रेट भी होगी। ओके, और यहाँ से हम लोगों ने रिजल्ट निकाला कि सबसे ज्यादा जो लाइट का एब्जॉर्प्शन है
वो विजुअल जो विजुअल रीजन है उसकी आपकी ब्लू वाले और रेड वाले रीजन में सबसे ज्यादा लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है और उसी एरिया में सबसे ज्यादा आपकी जो है फोटोसिंथेसिस की रेट भी होती है। ओके, तो बस यही ग्राफ में था जो आपका की फोटोसिंथेसिस का एब्जॉर्प्शन और आपका स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और आपका जो है फोटोसिंथेसिस स्पेक्ट्रम, उस दोनों चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।